हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट यश राम में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना सिम का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन में जाना है। जाने के बाद माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने माई जियो एप्लीकेशन का इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर में थ्री डॉट है, उसके राइट साइड में थोड़ा सा सर्च बार है, इसमें देखिए ऑडियो का माइक्रोफोन है, स्कैनर है और बेल आइकन है। उसके नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मोबाइल है, फीवर है, म्यूजिक है और गेम्स है। इस तरह का आपका सिम का सारा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड, थ्री डॉट देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो थ्री डॉट में क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं प्रोफाइल एंड सेटिंग्स है, उसके नीचे रिचार्ज योर नंबर, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, माय प्लान्स, माय यूज, रिचार्ज हिस्ट्री, स्टेटमेंट, वाउचर्स, कूपन्स एंड विनिंग्स, जियो टोन्स, जियो फीवर, हेल्थ, जियो यूपीआई, जियो मार्ट, एंटरटेनमेंट, पे एंड विनर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो हम लोग माय स्टेटमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें स्टेटमेंट वाला ऑप्शन जो है इसमें क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स क्लिक कर देंगे, आपको दूसरा पेज में ले जाएगा। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिलेक्ट पीरियड है, इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर लास्ट 118 डेज फ्रॉम एंड टू डेज सॉरी डेट्स कैन बी मैक्स 3 डेज अपार्ट। यानी दोस्तों, आपका स्टेटमेंट जो है 180 दिनों के लिए जनरेट हुआ है और इसमें जो है आप मिनिमम 30 दिन से लेकर के सॉरी मैक्सिमम 30 दिन तक का ही इसमें ये करके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, 7 डेज है, 15 डेज है और 13 डेज है। उसके नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कस्टम डेट्स है, यानी फ्रेंड्स डेट को कस्टम करके भी आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा देख सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन, इसमें फ्रेंड्स ईमेल स्टेटमेंट है। उसके नीचे देख सकते हैं डाउनलोड स्टेटमेंट और व्यू स्टेटमेंट, यानी आप तीनों ऑप्शन को चूज करके अपना सिम कार्ड का स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो चलिए डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे देख सकते हैं डाउनलोड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो डाउनलोड स्टेटमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स डाउनलोड स्टेटमेंट में क्लिक कर देंगे, आपको डाउनलोड हो करके आपके सामने पेज जो है आ जाएगा। इसमें आपका सारा कुछ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।